गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल। हम इंसेक्ट का जो पॉपुलेशन है या इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल को किस तरह मापते हैं, कैसे हम उसको गणना करते हैं, इसी पे आज मेरा वीडियो है। सो पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल, राइट। फर्स्ट इसमें है जनरल इक्विलेरियम पोजिशन, जनरल इक्विलेरियम पोजीशन, जिसको हम शॉर्ट कहते हैं जीईपी। क्या बोलते हैं इसको हम? जीईपी। देखिए यहाँ पे लिखा है जीईपी, जिसको जनरल इक्विलेरियम पोजीशन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द एवरेज डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन टेंड्स आ फ्लैक्चुलेट ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड इज द अब्सेंस ऑफ परमानेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस, राइट। इसका जीपी का एक डिफिनीशन है शॉर्ट में कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो औसत सघनता है, और ओवर ए लॉन्ग पीरियड, पूरे समय का जो औसत सघनता है, उससे क्या करते हैं कि टाइम अराउंड द पेस्ट पॉपुलेशन, उस पेस्ट पॉपुलेशन का जो ट्रेंड्स है देखभाल करना या कैलकुलेट करना है ड्यू टू एबायोटिक या एबायोटिक कंडीशन में। बायोटिक और एबायोटिक मींस दो कंडीशन होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है टेम्परेचर का लो बढ़ना घटना, स्नोफॉल रेनफॉल, ये सब एबायोटिक में होता है। बायोटिक मींस होता है किसी के द्वारा जब इन्फेक्शन होता हो, बैक्टीरिया फंगस वायरस निमेटोड्स इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा, इसको हम बायोटिक कहते हैं। उसके द्वारा फैक्टर टाइम अब्सेंस ऑफ परमानेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, और जो वातावरण के द्वारा उतार चढ़ाव होता है फ्लक्चुएट करता है, उसी को हम जीपी कहते हैं, राइट। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड आप टाइम अराउंड विच द बेस्ट पॉपुलेशन टेंड्स आर फ्लक्चुएट ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड इज द अब्सेंस ऑफ परमानेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, वातावरण के द्वारा जो चेंजेस होते हैं बायोटिक या एबायोटिक में, उसकी सघनता डेंसिटी पॉपुलेशन और बेस्ट पॉपुलेशन की सघनता को ही हम मापते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जीईपी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, ईटीएल जिसको कहते हैं, हमारी क्राप नुकसान ना हो उसके पहले ही जब हम एक्शन लेते हैं, क्राप हमारी डैमेज ना हो उसके पहले जो हम एक्शन लेते हैं वही होता है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एंड इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन from reaching the ETL, it is also known as action threshold. इसी को हम action threshold level के नाम से भी action threshold, इसी का also known as action threshold भी कहते हैं। देखिए population density, औसत सघनता आप which control measure should be implemented, आप prevent जो देखभाल करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, जो हम प्रयोग कर सकते हैं, जो हम प्रिकॉशन बरत सकते हैं, जैसे अर्ली सोइंग लेट सोइंग या फिर क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, फंगिसाइड स्प्रे, या इसके अलावा जो कुछ भी हम अपनी फसलों को बचाने के लिए जो एक्शन लेते हैं उसी को हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड या ETL कहते हैं। अब उसी को हम एक्शन थ्रेशोल्ड कहते हैं। देखिए ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इज बराबर EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल माइनस डेली रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ इंसेक्ट, जो रोज का रोज रिप्रोडक्शन इंसेक्ट में होता है उनकी संख्या बढ़ती जाती है उससे हम माइनस कर देते हैं, वही हमारा ETL कहलाता है। इंजरी लेवल में डेली रिप्रोडक्टिव को हटा देंगे जो हमारा आंसर आएगा उसी को हम ETL कहते हैं। बिफोर जब हमारा इन्फेक्शन ना हो उसके पहले हम एक्शन लेते हैं उसी को हम ETL कहते हैं। अब इकोनॉमिक इंजरी लेवल, हमारी आर्थिक क्षति कितनी तक है, कैसे हम नापते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंजरी लेवल जिसको हम EIL कहते हैं, राइट। द लोवेस्ट पॉपुलेशन द
डेंसिटी दैट विल कॉजेज इकोनॉमिक डैमेज। जब पॉपुलेशन की संख्या या डेंसिटी लोवेस्ट कंडीशन में आ जाए और क्रॉप को डैमेज करता हो, लास्ट स्टेप तक हमारी आर्थिक क्षति कितना हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल, राइट। नेक्स्ट है डैमेज बाउंड्री, कैसे हम मापते हैं डीबी, जिसको हम शॉर्ट में डीबी कहते हैं, द लोवेस्ट लेवल ऑफ डैमेज, द लोवेस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर ETL is always less than EIL। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ETL is always less than EIL। यह जो ETL होता है हमेशा less than होता है, EIL से कम होता है, provided sufficient time for control level। और जो हम provide करते हैं, control करते हैं, वो level को control करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, उसी को हम DB damage boundary कहते हैं। हमारी bound जो damage होती है कितनी सीमा तक होती है, कितनी boundary, उसी को हम DB के नाम से, the lowest level of damage which can be measured, right। तो सब बच्चों आज हम देखते हैं important GEP general equilibrium position, दूसरा economic threshold level जब हम action लेते हैं, या फिर हम pest की density निकालते हैं उसको GEP कहते हैं, और economic threshold level हम जब इन्फेक्शन होने से पूर्व जो एक्शन लेते हैं, और इकोनॉमिक इंजरी लेवल हमारी आर्थिक शक्ति कितना होती है, और डैमेज बाउंड्री डीबी इसी करते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे रहा, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।